जोशीमठ में गिराए जाएंगे दो लग्जरी होटल, 678 इमारतें असुरक्षित, साइंटिफिक स्टडी पूरी, कुछ इलाके को सील भी किया जाएगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में मंगलवार को दो होटल गिराए जाएंगे। यहां मकानों में दरारें आने के बाद एक्सपर्ट टीम ने ये फैसला लिया है। लग्जरी होटल मलाड़ी इन और होटल माउंट व्यू में से पहले मलाड़ी इन को गिराया जाएगा। दोनों 5-6 मंजिला होटल है। इन्हें गिराने का काम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में होगा। SDRF की टीम भी मौके पर मौजूद है। इस मामले पर स्वामी अभिमुक्त शरणानंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। अदालत ने इनकार कर दिया है। सुनवाई 16 जनवरी को होगी। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए आपको बता दें पूरी खबर। पूरे इलाके की साइंटिफिक स्टडी हुई, कुछ इलाके सील किए जाएंगे। दो होटल मलाड़ी इन और होटल माउंट व्यू गिराए जाएंगे। SDRF के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने कहा कि टीम ने आज होटल मलाड़ी इन गिराने का फैसला किया है। सबसे पहले ऊपरी हिस्सा गिराया जाएगा। दोनों होटल एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। इनके आसपास मकान हैं, इसलिए इन्हें गिराना जरूरी है। होटल और ज्यादा धसे तो गिर जाएंगे। SDRF तैनात कर दी गई है। लाउडस्पीकर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा जा रहा है। उत्तराखंड के DGP ने कहा, अभी 678 इमारतें असुरक्षित है। ज्यादातर इमारतों को खाली कर लिया गया है। ये प्रक्रिया अभी जारी है। पूरे इलाके की साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है और कुछ इलाकों को सील भी किया जाएगा। आइए आपको बता दें जोशीमठ के आज के बड़े अपडेट्स क्या है। लोगों ने जोशीमठ में मार्च निकाला और नारेबाजी की। उनका कहना है कि पुनर्वास ठीक से किया जाए और मुआवजा उचित हो। आज गृह मंत्रालय की एक टीम जोशीमठ आएगी और लैंडस्लाइड में हुए नुकसान का जायजा लेगी। अब तक 4000 लोगों को जोशीमठ के खतरे वाले इलाकों से हटाया गया है। बता दें आपको आज के दो बड़े बयान क्या है। सुप्रीम कोर्ट, लोकतांत्रिक संस्थाएं इस मामले को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ पर दायर की गई स्वामी अभिमुक्त शरणानंद की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकतंत्र के जरिए चुने गए संस्थान हैं जो इस मामले को देख रहे हैं। हर मामला हमारे पास लाना जरूरी नहीं है। होटल मालिक बोले, नोटिस तो दिया जाना था। होटल मलाड़ी इन के मालिक ठाकुर सिंह राणा ने कहा, अगर लोगों के भले के लिए इमारत गिराई जानी है तो मैं सरकार के साथ हूँ, फिर चाहे जरा सी ही दरार ही क्यों ना आए, लेकिन मुझे नोटिस तो दिया जाना था। होटल का मूल्यांकन करते मैंने ऐसा करने को कहा है, इसके बाद मैं चला जाऊँगा। जोशीमठ को 3 जोन में बांटा गया। राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है। ये जोन होंगे डेंजर जोन, बफर जोन और सेफ जोन। डेंजर जोन में ऐसे मकान होंगे जो ज़्यादा डेंजर जर्जर है और रहने के लायक नहीं है। ऐसे मकानों को मैनुअली गिराया जाएगा। जबकि सेफ जोन में बसे घर होंगे जिसमें हल्की दरारें हैं और जिसके टूटने की आशंका बेहद कम है। बफर जोन में वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा है। एक्सपर्ट्स के एक टीम दरार वाले मकानों को गिराने की सिफारिश कर चुकी है। लैंडस्लाइड में हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये NTPC का कहना है। राज्य की पावर प्रोड्यूसर कंपनी NTPC ने कहा है कि तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट का जोशीमठ में हो रहे लैंडस्लाइड से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के लिए NTPC के एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि NTPC के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदी गई है जिस वजह से शहर धस रहा है। हालांकि NTPC ने इन सब बातों को खारिज कर दिया है। जोशीमठ के मकानों पर रेड क्रॉस जोशीमठ के सिंधी गांधीनगर और मनोहर बाग एरिया डेंजर जोन में है। यहां के मकानों पर रेड क्रॉस लगाए गए हैं। प्रशासन ने इन मकानों को रहने लायक नहीं बताया है। चमोली DM हिमांशु खुराना ने बताया कि जोशीमठ और आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया गया है। यहां 603 घरों में दरारें आई है। ज्यादातर लोग डर के चलते घर के बाहर ही रह रहे हैं। किराएदार भी लैंडस्लाइड के डर से घर छोड़कर चले गए हैं। अभी तक 70 परिवारों को वहां से हटाया गया है, बाकियों को हटाने का काम चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो रिलीफ कैंप में चले जाए। ऐसी ही तमाम रोचक खबरों के लिए बने ही रहे नजर टुडे के साथ।